जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि का साल 2020 का जनवरी का महीना कैसा जाएगा। हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे कि आपका जनवरी का महीना और अच्छा जाए। देखिए, वैसे तो जहाँ तक पूरे वर्ष की यदि हम बात करें, जनवरी का महीना इसलिए हम पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे और यह वर्ष आपके लिए कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है, लेकिन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते आप हर समस्या का सामना कर पाएंगे। कुंभ राशि को यदि मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो प्रयोग की भावना के साथ भावपूर्ण और रोमांटिक व्यक्तित्व। कुंभ राशि को जनवरी में किसी बड़ी घटना की उम्मीद तो हरगिज नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके विपरीत ग्रहों के प्रभाव के कारण यह अवधि कुछ अधिक बोझल हो जाएगी, जिसका ये अर्थ हो सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षा कुछ कम हो जाएगी, खासकर जहाँ तक कैरियर की बात आती है। आपके राशि का स्वामी ग्रह शनि 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा और वर्ष पर्यंत इसी राशि में बना रहेगा। राहु महाराज आपके पंचम भाव में मध्य सितंबर तक रहेंगे और उसके बाद चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो इस साल 2020 में आप कुछ तीर्थ यात्राएं तो करेंगे, जनवरी में तो कोई चांस नहीं है, पर फरवरी में ज़रूर आपके चांस रहेंगे। जनवरी में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। जनवरी में आपके खर्चों में वृद्धि होगी और कुछ अच्छे कार्यों में, विशेषकर धर्म कर्म और पुण्य कार्यों में भी आप खर्च कर सकते हैं। धन लाभ भी जनवरी में होगा आपको, पर उसके अनुपात में आपके जो खर्चे हैं वो आपके बढ़ेंगे, तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आपको हर काम में धैर्य रखना पड़ेगा, ऊर्जा बचानी होगी, आपको जनवरी में इसकी आवश्यकता होगी। काम पर एक अप्रत्याशित स्थिति आ जाएगी जिसे आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे और इसे आपको पूरे ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। कुंभ राशि के रूप में आपके गुणों की वजह से आप इस समस्या का एक उपयुक्त समाधान ढूंढ लेंगे, फिर भी आपको कोई प्रशंसा नहीं मिलने वाली है। जो भी आप कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको आप बीच में मत छोड़ें, आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं जो आप फॉलो करें, निश्चित तौर पे आपको इसका फल मिलेगा। इस वर्ष आपको श्रीयंत्र की स्थापना कर नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के किसी यंत्र का आप जाप करें, गो माता को आटे का पेड़ा खिलाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। किसी गौशाला में जाकर गौदान करें यदि पॉसिबल हो तो, नहीं तो गौ माता की आप सेवा करें, वही काफ़ी हो जाएगा। महिलाओं के साथ आप सम्मानजनक व्यवहार करें, चींटियों को आटा डालें, अपने सहकर्मियों और गरीबों के साथ तमीज से पेश आएं और यथासंभव आप उनकी सहायता करें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।